हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं दीपक ईडी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो पेज लेआउट ऑप्शन के अंतर्गत मार्जिन एंड ओरिएंटेशंस का उपयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिन क्या होता है, पहले ये चेक करते हैं मार्जिन क्या होता है। इससे पहले मैं मार्जिन आपको बताऊँ, इससे पहले मैं एक और ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो डाटा आ रहा है, हम कैसे चेक करें कि हमारा एक पेज पे कितना डाटा आएगा या हमारा प्रिंटआउट में कैसा हमें डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। बिना प्रिंट निकाले भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंटआउट में हमें कैसा दिखाई देगा, पेज पे किस तरह से आएगा। उसके लिए शॉर्टकट तरीका है, आप कंट्रोल के साथ F2 दबा दीजिए कीबोर्ड से, कंट्रोल F2। जैसे ही दबाओगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की एक विंडो ओपन हो जाएगी और जैसा भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेम टू सेम वैसा का वैसा आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट में आएगा। कलर है तो कलर आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। ये जो स्पेसेस होता है इसको मार्जिन बोलते हैं, ये खाली स्पेस जो होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, इसको मार्जिन बोलते हैं। जितना आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही प्रिंट में आपका आएगा। अब जो मार्जिन ऑप्शन था उसकी हेल्प से हम ये जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एस्केप की दबा के आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब चेक करते हैं मार्जिन ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ से पहले से ही कुछ सिस्टम डिफाइन फॉर्मेट आपको दिखाए गए हैं। मान लीजिए मैं नैरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे देखेंगे टॉप और बॉटम से 0.75 दे रखा है और लेफ्ट और राइट से दे रखा है 0.25 मार्जिन। क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल F2 करके हम चेक करेंगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा टॉप से और बॉटम से तो वही है 0.75 और लेफ्ट और राइट से बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि हमने दिया है 0.25। तो ये मार्जिन जो स्पेस है उसको हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत होगी। एस्केप की दबा के बाहर निकलेंगे, अब मार्जिन पे जाएंगे, ये फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ से जो आपको यूज करना है, नॉर्मल चाहिए नॉर्मल आ जाएगा, कंट्रोल F2 करोगे ये आपका नॉर्मल आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अपनी मर्जी से सेट करना है तो मार्जिन पे जाइए, कस्टम मार्जिन पे चले जाइए। यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शंस दिखाई देंगे कहाँ से कितना सेट करना है। लेफ्ट से आपको मान लीजिए लेफ्ट से 1 करना है, आपको 1.2 कर दिया मैंने। राइट से आपको कम करना है, राइट से मैंने 0.2 कर दिया, 0.2 बहुत थोड़ा कर दिया, मतलब 0.2 मतलब 0.20 है। टॉप से बॉटम से टॉप से मैंने क्या कर दिया, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 1 कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ, तो जैसा आपने यहाँ दिया है वैसा का वैसा आपका प्रिंट में वो आएगा। अब हम चेक करने के लिए कंट्रोल F2 कर लेते हैं, तो यहाँ देखोगे आप लेफ्ट से ज़्यादा दिया है आपने, टॉप से ज़्यादा दिया है, राइट से बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो वैसा ही आपका ये प्रिंट में आएगा। तो जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यह मार्जिन का उपयोग। कस्टम मार्जिन पे आप जाओगे, यहाँ पे कुछ अलग से ऑप्शन और दे रखे हैं हेडर एंड फुटर का। तो जब यहाँ से आप हेडर फुटर लगाओगे, और हेडर फुटर लगाते हैं तो आप पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, उसके लिए पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है 30 नंबर पे जो वीडियो, उसको आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ से हेडर फुटर का जो एरिया है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये ऊपर का एरिया आप देखोगे हेडर का है, तो ये केवल तभी दिखाई देगा जब हेडर आप लगाओगे। ये एक्स्ट्रा है, मतलब 1 तो आपका आएगा ही, अगर हेडर लगाओगे तो अलग से आपका जो स्पेस यहाँ दिया उतना और ऐड हो जाएगा हेडर के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम मार्जिन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो आप मार्जिन ऑप्शन पे जाके नॉर्मल पे क्लिक कर लीजिए, आपका जो नॉर्मल मार्जिन है वो आपका आ जाएगा। अब चेक करते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। अभी जैसे मैं पेज का साइज कम कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ ट्रैक बॉल घुमा के आप पेज का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है पेज 1, और ये इसके बाद जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये पेज के पार्टीशंस आपको दिखा रही है कि ये डाटा आपका इतना डाटा एक पेज का है और ये फिर डाटा अगले पेज का है आपका। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये लाइन आपकी यहाँ पे है ये रही। अब हमारा जो पेज है वो प्रिंट आउट में कैसा आएगा, वो खड़ा आएगा, मतलब इस तरीके से प्रिंट में आएगा सीधा निकल के। अब मान लीजिए मुझे जो है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक दूसरी सीट पे लिए चलता हूँ। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरी सीट पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डाटा क्रिएट किया हुआ, ये आप देखोगे, स्पेशली ओरिएंटेशन का ऑप्शन समझाने के लिए। अब ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब पेज आपका सीधा, नॉर्मली जो हम निकालते हैं वो सीधा आएगा पेज आपका, खड़ा हुआ प्रिंट निकालते हैं, और लैंडस्केप पे पेज आपका वाइड आता है, प्रिंट आपका आएगा वाइड पेज पे। चलिए चेक करते हैं एक बार। अब ये मेरा डाटा है, इसको मैंने पोर्ट्रेट पे क्लिक किया हुआ है, हम चेक करते हैं प्रिंट आउट में पेज कैसा आएगा। पहले तो प्रिंट आउट की बात हम नहीं करते हैं, यहाँ पे ही हमें लाइनिंग दिखाई देंगी, पहला पेज आपका ये आएगा। ओरिएंटेशन से मैंने लैंडस्केप कर दिया, आप ये देखोगे लैंडस्केप पे पहले पेज आपका ये था, अब पेज का साइज चेंज हो गया है, अब वो आपका वाइड आएगा लेटा हुआ पेज इस तरीके से। तो कंट्रोल F2 आप चेक करोगे, ये देखिए पेज अब आपका ऐसे आ रहा है,
ऐसे, और जो आपका पोर्ट्रेट होता है उस पर पेज सीधा आपका ऐसे आता है। तो ये है ओरिएंटेशन कि आप पेज कैसे निकालना चाहते हो। अगर मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया तो ये देखिए, ये आपका केवल इतना डाटा एक पेज पे कवर होगा। अगर आप चाहते हो ये डाटा एक ही पेज पे निकालना तो और इसका आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, क्योंकि पेज जब अभी लंबा पेज होगा तो उसका जो एरिया है वो कम होगा। अगर उसी पेज को हम वाइड कर देंगे, साइड से लेंगे लिटा के, तो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ओरिएंटेशन से मैंने लैंडस्केप कर दिया तो ये देखिए वो आपका ज़्यादा एरिया हो गया, तो डाटा ज़्यादा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम सिंपली मार्जिन एंड ओरिएंटेशन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। ये हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, आप हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि फेसबुक पे भी हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए स्क्रीन पे आप चैनल लोगो पे क्लिक कर सकते हो, या वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पे आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हो, और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।